नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। 1 जुलाई से शुरू हुए किल कोरोना अभियान के तहत सागर शहर में सैनिटाइज दवा का छिड़काव, थर्मल स्क्रीनिंग, डाटा एकत्रीकरण का कार्य जारी है, जिसमें टीम द्वारा लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करते हुए दवा का छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है। दुकानदारों को नगर निगम आयुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा मास्क लगाने की समझाइश दी गई। कुछ लोगों के मास्क न लगाने पर चालान भी काटे गए और उसके बदले उन्हें मास्क प्रदान किया गया। ये टीम लगी हुई है एकदम स्वच्छता के लिए, सैनिटाइज के लिए। आप देख सकते हैं शहर का कोना कोना है। नगर पालिका निगम सागर के द्वारा सफाई कर्मचारी भी हैं, सैनिटाइज भी हो रहा है और आगे घर घर जाकर सर्वे, थर्मल स्कैन और थर्मल स्कैनिंग भी चालू है और सैनिटाइज भी जारी है। ये हमारी नगर पालिका निगम सागर की ओर से, वहाँ पे आपने देखा सैनिटाइज हो रहा था और यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग हो रही है। कुछ वहाँ पर भी कर चुके हैं अभी, तरह से सेफ आर सिटी फ्रॉम COVID-19। ये देखिए, ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं सही डाटा इकट्ठा करने का, थर्मल स्कैनिंग करने के लिए भी कर रहे हैं और अभी आपने इसके पीछे देखा सैनिटाइज भी किया जा रहा था। यानी हमारी सागर प्रशासन की टीम है वो लगातार कर रही है सागर से कोरोना को दूर हराने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि देखा जा रहा है कि आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नगर निगम द्वारा चालान भी काटे गए मास्क न लगाने को लेकर और मास्क वितरण भी किया गया, तो ये किस तरह की कार्रवाई है? देखिए, आज से किल कोरोना अभियान शुरू हुआ है और इस अभियान का उद्देश्य ये है कि हम जो है प्रशासनिक टीम घर घर पहुँचे और लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण करें। इसी क्रम में नगर पालिक निगम सागर द्वारा पुलिस के साथ एवं सिटी मजिस्ट्रेट के साथ में मिलकर के एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें हम लोग अब प्रतिदिन निकल करके और लोगों को मास्क लगाने की समझाइश देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की समझाइश देंगे और उनको ये भी बताएंगे कि जब तक बहुत ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें, अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी क्रम में आज हम लोगों ने जो बिना मास्क लगाए हुए थे उन पर 100 रुपये का अर्थदंड किया है, साथ ही साथ 11 रुपये का जो मास्क की कॉस्ट है तो कुल मिला के 111 रुपये की उनकी रसीद काटी है और उनको मास्क भी दिया है। ऐसे कुछ जो गरीब लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं, उनको हम लोगों ने फ्री में मास्क दिए हैं और उनको मास्क लगाने का समझाइश भी दी है। तो उद्देश्य यही है कि हम कोरोना की चेन को तोड़ें, लोगों को समझाइश दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर, क्या लगता है आपको फील्ड पे कि लोगों में जागरूकता का स्तर है जो बढ़ रहा है? नहीं, देखिए फील्ड में तो अभी लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। हम लोगों ने पूरे शहर में पैदल घूम करके देखा है तो दुकानों पर ज़्यादा भीड़ है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क के बारे में लोगों में जागरूकता नहीं है। मास्क या तो वो अपनी जेब में रखे रहते हैं या मुंह के नीचे लटकाए रहते हैं, जबकि मास्क को नाक और मुंह दोनों को ढकना है ताकि आपके नाक के माध्यम से और मुंह के माध्यम से कोई भी वायरस का संक्रमण को रोका जा सके, उसका यही उद्देश्य है। और जो जागरूकता अभी बहुत कम है लोगों में, मैं सभी नागरिक बंधुओं से अपील करता हूँ कि आप जितना बाहर जब निकलेंगे मास्क लगाएंगे तो आपकी सुरक्षा रहेगी। आप जब घर जाएं कृपया हैंड वॉश से हाथ धोएं, हाथों को सैनिटाइज करें, आप बचाव में ही सुरक्षा है। और यदि आप बचाव करते हैं, जागरूक नागरिक होने का अपना परिचय देते हैं, तभी हम कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे। सर, एक आखिरी बात, जो लोग वृक्षावृत्ति से जुड़े हैं या अपाहिज हैं, किन्हीं कारणवश नहीं खरीद पाते मास्क, आज एक तस्वीर सामने आई है कि उनको भी मास्क लगाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। नहीं, देखिए अगर हमें ऐसे अभियान के दौरान कोई भी लोग मिलेंगे तो उनको हम निःशुल्क मास्क देंगे, उनको लगाएंगे क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ आज हमारे पास कई सामाजिक संगठन आए और जिन्होंने इस बारे में पहल की है कि वो भी अपनी तरफ से निःशुल्क मास्क वितरण करना चाहते हैं, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। तो मैं ऐसे सभी समाज सेवियों से, नागरिक बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि यदि वे भी ऐसे लोगों के लिए मास्क वितरण करते हैं और इस अभियान में जिला प्रशासन के साथ आते हैं तो उनका स्वागत है।